अ प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय नेशनल हॉस्पिटल रीवा, विंध्य क्षेत्र में पहली बार कैंसर का संपूर्ण इलाज, आयुष्मान कार्ड धारकों का संपूर्ण इलाज निःशुल्क। पता, नेशनल हॉस्पिटल, समान तिराहा, न्यू बस स्टैंड, रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव 2024 का रण और रीवा संसदीय सीट का एक क्षेत्र और अब एक जिला मऊगंज। मऊगंज अब जिला बन चुका है और रीवा संसदीय सीट के अंतर्गत आता है। और हम अपने दर्शकों को बता दें कि सबसे बड़ी बात और खुशी की बात यह है कि आज जब हम मऊगंज जिले में जनता की चौपाल, चुनावी चौपाल कर रहे हैं, तो मऊगंज जिले के दोनों अध्यक्ष, भाजपा के अध्यक्ष और कांग्रेस के अध्यक्ष, दोनों यहाँ पर मौजूद हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर चलेगा, लेकिन उससे पहले मऊगंज के मुद्दों पर भी बात होगी कि ये चुनाव 2024 का लोकसभा चुनाव मऊगंज किन मुद्दों पर लड़ने जा रहा है, पिछले 10 वर्षों में यहाँ पर क्या कुछ हुआ। बात शुरू करते हैं, सबसे पहले बीजेपी के जिला अध्यक्ष राजेंद्र जी के पास आते हैं। राजेंद्र जी, मऊगंज विधानसभा में लोकसभा के दृष्टिकोण से कौन से ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर आप इस चुनाव में जा रहे हैं? देखिए, मऊगंज का चौमुखी विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। सबसे बड़ा मुद्दा है मऊगंज जिला बनाने का। कांग्रेस की 75 साल का शासनकाल था, मऊगंज उपेक्षा का पात्र था। यहाँ कांग्रेस के बहुतायत मात्रा में विधायक हुए, चाहे सुखेंद्र सिंह जी हों, चाहे उदय प्रकाश मिश्रा जी हों, चाहे स्वामी अच्युतानंद मिश्रा जी हों, ये सब लोग कांग्रेस के विधायक हुए। पर कांग्रेस के विधायकों ने मऊगंज के साथ कभी न्याय नहीं किया, मऊगंज के साथ उपेक्षा ही किया। और जब भारतीय जनता पार्टी के एक बार जगदीश तिवारी जी मऊगंज के विधायक हुए, तो उन्होंने एक गोरमा डैम बनाया और हजारों एकड़ फसलों में फसलों को पानी की सुविधा कराई। दूसरी ओर जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और भारतीय जनता पार्टी से यहाँ माननीय प्रदीप पटेल जी विधायक हुए, तो प्रदीप पटेल जी ने सबसे बड़ा काम किया, मऊगंज के जिले के लोगों को सम्मान दिया और मऊगंज का जिला बनाया। मऊगंज को जिला बनाया। पद्मेश जी, आप जिला अध्यक्ष हैं, पुराने जितने भी कांग्रेस के विधायक हुए उन्होंने मऊगंज के लिए कुछ नहीं किया, ये सीधे सीधे भाजपा के जिला अध्यक्ष का आरोप है। एक ही प्रयोगशाला से निकले आप दोनों लोग हैं। अमित जी, मऊगंज की धरती और यहाँ के नागरिक इस बात के जीते जागते प्रमाण और गवाह है कि मऊगंज के जिले के निर्माण के लिए जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने अपना आंदोलन किया और अपनी पूरी ताकत लगाई, यह कांग्रेस पार्टी की बहुत पुरानी मांग रही थी। और जहाँ तक मुझे ध्यान आता है और यहाँ की जनता को भी पता है कि यहाँ के जनपद कार्यालय में 50,000 लोगों ने मऊगंज जिले के निर्माण के लिए गिरफ्तारी दी थी, तो इस बात से आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं उसी जन आकांक्षा का परिणाम था कि सरकार को दबाव में आकर चुनाव के आयन पहले इन्हें जिला मऊगंज को जिला घोषित कर। लेकिन परिणाम फिर भी आपके पक्ष में नहीं हो पाए पिछले, जबकि जिला भी कह रहे हैं आप कि हमारे अप्रोच से बना। परिणाम की अगर बात करें, परिणामों की परिस्थितियों में बहुत सारी बातें आ जाएंगी, उन बातों की लड़ाई भी जारी है। लेकिन जहाँ तक मेरा यह मानना है कि मऊगंज जिले के निर्माण और उसके विकास के लिए जितना कांग्रेस पार्टी ने जमीन पर संघर्ष किया, उतना कहीं भी भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता संघर्ष करते हुए कभी नहीं दिखाई दिए। मुद्दों पे आते हैं, मऊगंज किन मुद्दों पर अगले लोकसभा चुनाव में वोट करने जा रहा है? मऊगंज नवीन जिला हुआ है अभी, जो कि माननीय प्रदीप पटेल जी के नेतृत्व में हुआ जी। नहीं तो किस मुद्दे पे वोट करेंगे फिर इस बार? वोट करेंगे, ये लाडली बहना है यहाँ पे। और इधर अभी तो हाल ही में जितने मकान बन रहे हैं वो सब भाजपा की ही उसमें बन रहे हैं जी। मतलब मुद्दा यही रहेगा। सांसद जी ने क्या कुछ किया मऊगंज के लिए 10 साल सांसद के, जनार्दन मिश्रा जी के 10 साल? देखिए, मऊगंज को स्वर्णिम मऊगंज अगर किसी ने बनाया है तो वो काम किया है माननीय जनार्दन मिश्रा जी ने। सबसे बड़ी समस्या थी यहाँ रेलवे काउंटर की। रीवा का आदमी 75 किलोमीटर जा, मऊगंज का आदमी 75 किलोमीटर रीवा रेलवे स्टेशन में जाता था, तब जाकर के रिजर्वेशन कराता था। पहला काम उन्होंने रेलवे का काउंटर खुलवाया। कांग्रेस का शासनकाल था और उस समय रोड की स्थिति देखिए क्या थी, कि अगर
हमारे किसी बहन के डिलीवरी की अगर समस्या हो जाती थी तो मऊगंज से रीवा जाने में उसको 3 घंटे लगता था अमित जी, 3 घंटे। ये भी निश्चित नहीं था कि उसका बच्चा जीवित रहेगा कि नहीं रहेगा। अगर आज मऊगंज से रीवा मात्र 45 मिनट में आते हैं तो उसमें बड़ा रोल जनार्दन मिश्रा जी का है। मऊगंज के हर खेत में पानी जा रहा है, चाहे सीतापुर इरिगेशन की बात हो, चाहे बहुत ही माइक्रो इरिगेशन की बात हो, गोरमा के लिफ्ट इरिगेशन की बात हो, गोरमा की लाइनिंग की बात हो, हर किसान के खेत जो लहलहा रहे हैं उसमें जनार्दन मिश्रा जी का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने पानी की सुविधा हर खेत तक पहुँचाया है। जनार्दन मिश्रा जी ने पानी की सुविधा हर खेत तक पहुंचाई है। मऊगंज में रेलवे काउंटर दे दिया, हाईवे बन गया, तमाम बड़ी उपलब्धियां तो मिल गई मऊगंज को। कुल मिलाकर के झूठ बोलना भी एक थोड़ा सा सच्चाई के साथ झूठ बोला जाए तो अच्छा भी लगता है। जनार्दन मिश्रा जैसे प्रत्याशी को यहाँ की जनता जो एक भी उपलब्धि बताती है, ये बता ये किया वो किया, हम कहते हैं कोई एक अपने जिले नहीं, मऊगंज और रीवा दोनों मिलाकर कोई एक योजना का नाम बता दें जनार्दन मिश्रा जी ने किया हो तो बताएं कोई एक योजना। जो उनके हम लोग मिर्जापुर रेलवे लाइन की बात कर रहे थे, आज तक उसका कुछ नहीं हुआ। हम लोग यहाँ मऊगंज में एक फायर ब्रिगेड तक नहीं है कि आग लग जाए तो जो है तो कहीं जाए, हनमना और नईगढ़ी रीवा से यहाँ फायर ब्रिगेड आ रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है और यही विकास है भारतीय जनता पार्टी का। युवाओं के लिए क्या कुछ मिला मऊगंज को? देखिए सर्वप्रथम तो मऊगंज, अभी अध्यक्ष महोदय भारतीय जनता पार्टी के बोल रहे थे, तो इन्होंने जितनी बातें रखी सारी निराधार रखी, क्योंकि मऊगंज अछूता रहा पूरे। अगर जनार्दन मिश्रा जी ने किसी का विकास किया है तो वो अपने बेटे कबीर का किया है। बाकी रीवा जिले में मऊगंज तो छोड़ दीजिए, पूरे जिले का कभी कोई विकास नहीं हुआ। यह एक गिरवी सांसद हैं जो डिप्टी सीएम राजन शुक्ला जी के यहाँ गिरवी हैं, इनकी सांसद निधि गिरवी है, आज रिमोट कंट्रोल राजन शुक्ला जी के हाथ में है और एक डमी कैंडिडेट हैं। आज तक कभी भी न युवा के लिए, न किसान के लिए, मजदूर के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया। और अगर ये बातें करनी है तो मैं चाहता हूँ कि ऑन रिकॉर्ड बातें रखी जाएं। मऊगंज के युवाओं की बात हो रही है और सबसे बड़ा मसला ये है, रोजगार का जिक्र होता है कि भाई सांसद जी ने कितने प्रयास किए, डमी बता दिया, बोल दिया रबर स्टैंप है, तमाम तरह के एलिगेशन। 10 साल में यहाँ इस शहरी क्षेत्र में या इस ज़िले में, अब चूंकि मऊगंज जिला है, सांसद जी के कुछ प्रयास जो 10 साल में दिखे हों? सबसे पहले तो मैं युवक कांग्रेस के जिला अध्यक्ष की रबर स्टैंप वाली बात का खंडन करता हूँ। जिनकी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद रबर स्टैंप हो, जो केवल एक खानदान के रिमोट पर चलता हो, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दीजिए, आप अपनी सरकार का देखिए, आपके प्रधानमंत्री खुद रबर स्टैम्प थे, रिमोट से चलते थे, सोनिया गांधी जी के कहने पर उठते बैठते थे, उसके पार्टी कार्यकर्ता इल्ज़ाम लगा रहे हैं और दूसरा इल्ज़ाम उन्होंने कबीर पर लगाया। अरे बंसबाद की पार्टी आपकी भैया, पूरे देश में बंसबाद का जहर घोलने का काम केवल कांग्रेस ने किया है। क्या है सोनिया गांधी जी कांग्रेस में? क्या है राहुल गांधी जी? राहुल गांधी जी न्याय यात्रा करते हैं, क्या है वो? राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के। सोनिया जी क्या है? वो न्याय यात्रा करती हैं, उनकी यात्रा में उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल होते हैं। और मंच में ताज्जुब वाली बात, आप तो मीडिया से जुड़े लोग हैं, आपने देखा होगा, एक जगह मल्लिकार्जुन खड़गे जी को बैठना था, राहुल जी के लिए चेयर नहीं आई थी, तो मल्लिकार्जुन जी खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के, वो बैठे नहीं। जब तक मैं उस पर भी बोल रहा हूँ। नहीं, आपने गलत कहा है। आप देखिए, आप ये कांग्रेस पार्टी की यही आदत है कांग्रेस पार्टी की, इनके पास न मुद्दा है न कोई विकास की बात है। मैं अब बात करता हूँ, इन्होंने कट किया है वो, आप उसका ओरिजिनल वीडियो उठा के देखिए। राष्ट्रपति जी के लिए कालीन बिछी थी, प्रधानमंत्री जी नॉर्मल बैठे थे, राष्ट्रपति जी के लिए भारत सरकार की कुर्सी लगी हुई थी और प्रधानमंत्री जी नॉर्मल कुर्सी में बैठे थे। क्या बात कर रहे हैं आप लोग? सोनिया गांधी के सहारे पर चलने वाली पार्टी, राहुल गांधी के सहारे पर चलने वाली पार्टी इस तरह की मुद्दे बात कर रही है? सबसे ज़्यादा सम्मान किया अगर किसी ने महिलाओं का, अनुसूचित जाति का, जनजाति का, नरेंद्र मोदी ने किया है। आपकी सरकार 70 साल थी, बताइए एक भी राष्ट्रपति का नाम जो अनुसूचित जाति जनजाति का हो, बताइए मुझे। मैं पूछ रहा हूँ, मैं चैलेंज कर रहा हूँ कांग्रेस पार्टी को, एक भी बताया नाम आप कि आपने अनुसूचित जाति के आदमी को प्रधानमंत्री बनाया हो, राष्ट्रपति बनाया हो। ये काम करने का काम केवल भारतीय जनता पार्टी ने किया। घोटाला, हम हमारे छोटे भाई विपिन मिश्रा जी बात कर रहे थे कि नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छा तर्क दिया, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने जितने वादे किए हैं उसमें से
अगर राम जन्मभूमि की बात ही आती है तो राम जन्मभूमि ने क्या नरेंद्र मोदी जी ने फैसला सुनाया है? उसको सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है। दूसरी, अपने देश के सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रपति मुर्मू जी हैं और उनको अगर बगल में खड़ा करके आप कुर्सी पे बैठे हुए हैं, ये कहाँ की नैतिकता है? और मैं बात करता हूँ रोजगार की और इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड जो सबसे बड़ा घोटाला है उस पर क्यों कोई भाजपा का नेता उसमें जवाब नहीं देता कि इतना हजारों करोड़ रुपया बीफ काटने, गाय की बात होती है और बीफ काटने वाले से 300 करोड़ रुपया लिया जाता है, पाकिस्तान की एजेंसी से 500 करोड़ रुपया लिया जाता है, कौन सी राष्ट्रीयता है? हमको जवाब दें, जिला अध्यक्ष जी भी दें। मैं जवाब दे रहा हूँ की बात को। इन्होंने पहले क्या कहा? इलेक्ट्रोल बॉन्ड। अरे आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व दोनों, चाहे सोनिया जी हो चाहे राहुल जी हो, बेल पर है सुप्रीम कोर्ट से। किसके लिए बेल पर है बताइए, बताइए ना, घोटाले पर बेल पर है। हेरल्ड घोटाला हुआ था, 150 करोड़ के घोटाले पर बेल पर है। क्या बात करते हैं आप? और दूसरी बात, अभी आपने दूसरी बात की, अब ये क्या? ठीक है, तड़ी पार अमल रहे क्या? जो 2014 पर मोदी जी ने वादा किया था, जैसे दो करोड़ रोजगार देने की बात हुई, क्या हुआ बताइए आप, पूछिए इनसे। अच्छा एक सेकंड बात सुनिए, मऊगंज क्षेत्र में मऊगंज क्षेत्र में उद्योगों की क्या स्थिति है? लगातार सरकार दावे करती है औद्योगिक क्षेत्र और यहाँ के लोगों को रोजगार, तमाम नए आयाम स्थापित करेंगे। देखिए अमित जी, जहाँ तक रही 2024 के लोकसभा चुनाव की बात, अगर सांसद जी की व्यक्तिगत उपलब्धि की बात की जाए तो इन 10 सालों में मऊगंज जिले में भारतीय जनता पार्टी के नेता केवल यह जवाब दे दें कि जो 50 करोड़ की सांसद निधि मिली उसमें अगर 2 लाख का भी किसी ग्राम पंचायत में काम सांसद निधि के द्वारा हुआ हो तो जनता उन्हें निश्चित तौर पर वोट दे दे। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से यह अपील करना चाहता हूँ कि अभी पानी की बात हुई, 2018 में बहुती नहर का काम समाप्त हो जाना चाहिए था, प्रस्तावित था, आज तक बहुती नहर, बहुती कैनाल का काम कंप्लीट नहीं हो पाया, या किसकी देन? बाण सागर के नहर का पानी मऊगंज जिले के हनुमना छोर तक पहुंचे, इसके लिए आंदोलन किसने किया? केवल कांग्रेस पार्टी ने किया। अच्छा स्थानीय विधायक प्रदीप पटेल जी हैं, इसके पहले सुखेन सिंह जी थे। सुखेन सिंह जी को देखा गया कि वो हर मुद्दे पर बड़ी मुखरता से लड़ते हैं। पानी का मसला पद्मेश गौतम जी ने उठाया कि वो पानी के लिए आंदोलन कर रहे थे, तमाम वो जमीन पर आंदोलन तो खड़े कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ भी वो बात कर रहे हैं, तो मतलब जनहित के मुद्दे तो उठा रहे हैं ना। ये कहावत है, सुपवा बोले तो बोले चलनिया का बोले, ये सिर्फ बोल रहे हैं, हम कर रहे हैं। इन्होंने चिल्लाया, हमने उसको क्रियान्वित किया। आज जमीन में चाहे कैलाशपुर लिफ्ट इरिगेशन का काम हो, चाहे बहुती लिफ्ट इरिगेशन का काम हो, चाहे यहीं घुरेटा में इंडस्ट्रियल एरिया लगाने का काम हो, चाहे मऊगंज को जिला बनाने कर मऊगंज के शहर के विकास का काम हो, ये सभी काम प्रदीप पटेल जी ने किया है। आज मैं खुले रूप से आरोप लगाता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई, तब से जब से भारतीय जनता पार्टी के विधायक बने, तब से यहाँ अपराध में कमी आई है, गांजा कोरेक्स दारू में कमी आई है, और जब कांग्रेस के लोग थे, आप सब लोग समझदार हैं कि इस मऊगंज में क्या होता था, मैं अपने मुंह से नहीं कहना चाहता। ठेका क्यों दिलवाया है? ठेका बंद करवा दीजिए भाई, जब जगह गई तो फिर खुलेआम क्यों दारू बिक रहा है भाई? ठेका बंद करवाइए, अगर आपकी सरकार ये है तो कोरेक्स दारू बंद करा दीजिए, तो मैं तो कहता हूँ ठेका बंद करवा दीजिए। और एक भी उपलब्धि बताइए, ये बताने भारतीय जनता पार्टी ने एक काम बताइए, कोरेक्स कौन बिचवा रहा है? हम विधायक जी ने तो खुलेआम कहा था कि भाई कोरेक्स बिचवाता हो उसके उसकी झांकी लगवाइए। देखिए भाई साहब, आप लोग जो है तो झूठी बात मत फैलाइए, जनता सब जान चुकी है। 2014 क्या बोल रहे हैं? ये दारू का ठीका ये सब कांग्रेस के जमाने से चल रहा है, आज तक चल रहा है, सब कांग्रेस की कमी है ये। और जो भी जो भाजपा सरकार की है वो आज तक सरकार है, जो भाजपा सरकार की है वो कांग्रेस जिंदगी में नहीं कर सकती। मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे बड़े भाई लोग सब ये बोल रहे हैं कि हमने ये किया
विपक्ष में सुखेन सिंह बन्ना जी थे या और भी हमारे बड़े नेता रहे होंगे, लेकिन सरकार जो थी वो भाजपा की थी। अब भाजपा में किरानमर में बाढ़ सागर पानी के लिए एक हम लोगों ने उसकी नहर बहन आंदोलन किया, जिसमें एक एक ईंट एक एक पत्थर अपनी गाड़ियों में लाद के लोग ले गए। उसके लिए अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात भी करी सुखेन सिंह बन्ना जी ने, जो भी कांग्रेस के थे। तो हम कहते हैं कि उन्होंने बात बढ़ाई थी तो उस पर काम क्यों नहीं, किसानों के मुद्दे पर क्यों बात नहीं हुई? लिफ्ट इरीगेशन का मामला है, पानी पहुँचा, यहाँ क्या हुआ? आदरणीय जिला अध्यक्ष महोदय, जो बताया अभी कि पूर्व में सुखेन सिंह बन्ना जी विधायक थे, उन्होंने कुछ नहीं किया। बाढ़ सागर का मुद्दा हो, लिफ्ट इरीगेशन का मुद्दा हो, चौरा का घाट हो, रीवा मिर्जापुर रेल लाइन की बात हो, विपक्ष में रहते हुए उन्होंने ये जिला का मुद्दा हो प्रमुखता से उठाया है उन्होंने। और आज सिविल अस्पताल का, यहाँ पे 20 अस्पताल का भी बेड नहीं था, 75 अस्पताल सिविल अस्पताल का दर्जा उन्होंने, तीन हायर सेकेंडरी स्कूलों का क्रियान्वयन करवाया था उन्होंने, एक स्कूल बता दें इन्होंने करवाया, कलेक्ट्रेट जिसमें बैठते वो बिल्डिंग हमारी विधायक की देन है, लिफ्ट इरीगेशन का 625 करोड़ रुपए आया था, चौरा का घाट का निर्माण इनकी सरकार द्वारा बंद कराया गया था, ठेकेदार को पैसा नहीं गया, विधायक उनके थे, ये गलतियाँ क्या गिना रहे हैं? कितने युवाओं को रोजगार मिला बता दें भाई, मुद्दों पे बात करें, मुद्दों पे ही बात करेंगे। एक बार ये कैमरा घुमाइए, मैं पूछना चाहता हूँ मऊगंज के स्थानीय युवाओं को रोजगार मिला कि नहीं? रोजगार के कोई पुख्ता हाँ क्या बोल रहे हैं? लिखो को रोजगार मिला है, सब जगह मिला है पढ़े भाई, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति हो जिसको ना मिला वो आके बताए ना कि हमें रोजगार नहीं मिला, पढ़ा लिखा व्यक्ति आके बताए यहाँ पे भाई, हम बता दिए हमारे 2018 से 14-27 ओबीसी रिजर्वेशन सरकार फंसा कर रखी है। कोई भी अगर सरकारी नौकरी की पोस्ट निकली हो, उसकी पूर्णतः भर्ती हुई हो, आज हमें बता दे। और पटवारी भर्ती घोटाले में घोटाला हुआ और वहां आग लगा दी गई मंत्रालय में, और उसकी जांच तक नहीं हुई है। आज युवाओं की बात करते हैं, एक भी युवा, एक भी इंडस्ट्री रखी गई हो, मऊगंज में रखी गई हो, रीवा में रखी गई हो, वो सरकार बताए, हमारे सांसद जी बताएं, एक भी कंपनियां उन्होंने रखी हो, और अगर युवाओं को उन्होंने रोजगार दिया तो लिस्ट बता दे कि कितने लोग दिए हैं। विपिन जी, रोजगार के मुद्दे पर घिर रही है आपकी सरकार, अब ये शांति से सुन ले तो मैं इनकी बातों का जवाब दे दूं, हल्ला ना करें सब, वो तो मुझे पता है कि कांग्रेस के ही कार्यकर्ता है, हल्ला करने का श्रेय उन्हीं को जाता है सबसे। अभी इन्होंने रोजगार की बात की मान्यवर ने, रोजगार का मतलब बताइए मुझे आप, क्या सरकारी नौकरी मिलना ही रोजगार है? प्राइवेट के बात कर लीजिए उसके बाद काउंटर करिएगा आप। सबसे पहले बात, केवल सरकारी नौकरी देना ही रोजगार नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी ने मुद्रा योजना शुरू करी, आप अब अभी डाटा की बात कर रहे थे, हाँ। हमसे ना मांग के आप बैंक में जाइए, आपको सांसद भी रोजगार है, नाली से गैस बनाना भी रोजगार है। कांग्रेस पार्टी क्यों हार रही है? इनके कार्यकर्ता अति आत्मविश्वास में अपने आत्महत्या कर रहे हैं, इसलिए हार रही है पार्टी। ये अति आत्मविश्वास है, अति आत्मविश्वास ही आत्महत्या का कारण होता है। मेरी बात सुनने को तैयारी नहीं है। रोजगार का मतलब ये नहीं होता कि हमने केवल प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री ने सरकारी नौकरी दे दी वो रोजगार हुआ। मुद्रा लोन हमने शुरू करी, देश के जो बेरोजगार थे उनको हमारी सरकार ने बैंक के माध्यम से लोन दिलाया, कोई अपना रोजगार खुद का खोल के बैठा है, किसी ने दुकान खोली है, कोई ठेला चला रहा है, कोई रिक्शा चला रहा है। फिर हमने दूसरी बात, हमने स्टार्टअप योजना शुरू करी। अभी आप तो मीडिया से जुड़े लोग हैं, देखिए कितने स्टार्टअप चल रहे हैं पूरे देश में, कांग्रेस सरकार में एक स्टार्टअप नहीं शुरू हुआ था। आज जो युवा, आपके जैसे युवा, आप तो उदाहरण है देश प्रदेश के युवाओं के लिए और रीवा जिले के युवाओं के लिए। आप भी तो कांग्रेस सरकार में बेरोजगार थे जब से सरकार ने स्टार्टअप योजना, मैं बेरोजगार मेरी बात सुने, मैं आपके उदाहरण दे रहा हूँ सबको, जब से सरकार ने स्टार्टअप शुरू करी आज कई युवा अपना खुद का स्टार्टअप चला, कोई यूट्यूब चला रहा है,
कोई कोई ऐप चला रहा है, सरकार का क्यों योगदान है वो तो आप ये बताइए। स्टार्टअप योजना से ही लोगों को हर सरकार ने स्टार्टअप योजना शुरू नहीं करी थी, केवल भारतीय जनता पार्टी ने स्टार्टअप योजना शुरू करी। स्टार्टअप योजना से देश का बेरोजगार युवा अपना खुद का व्यवसाय कर रहा है। व्यवसाय का मतलब केवल ये नहीं होता कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री उनको सरकारी नौकरी दे दे वो रोजगार हो जाए। कितनी फाइलें? 17,000 सुपर फाइलें पड़ी हुई मैं नगर परिषद में हूँ, वहाँ पे 17,000 फाइलें आज उठा के देख लीजिए आप 2014 के बाद से। इतनी फाइलें, कितने बेरोजगार घूम रहे हैं लोन के लिए। लोन तो ये हवा में है, हवा हवाई कुछ भी कह दे जैसा चल रहा। क्या बोल रहे? अगर उद्योग विभाग से लेकर के और बैंक तक बिल्कुल दलाल पाल करके भाजपा सरकार के नामुंदे बैठे हुए हैं, और जब कोई अप्लाई करता है लोन लेने के लिए तो एक दलाल से छूटा तो दूसरे दलाल, दूसरे दलाल से छूटा तो तीसरे दलाल, अंतिम में थक करके वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाता है। और अभी जो अध्यक्ष महोदय ने गोरमा डैम की बात कही थी, तब कांग्रेस की सरकार थी और विधायक को निर्दलीय चुने गए थे, और कांग्रेस की जो है तो देन है कि वो गोरमा डैम बना है। सिविल अस्पताल का दर्जा हमारे पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना ने दिलवाया है, और ये जो रोड बन रही है, ये रोड जो रोड बन रही है, इतने लोग एक्सीडेंट हुए हैं, अभी ये पूरा काम नहीं हुआ। 25 कमरे का सिविल अस्पताल जो है तो 7 सालों से लगातार बनवा रहे हैं, पता नहीं कौन सा किला बनवा रहे हैं कि आज तक जो है तो कंप्लीट नहीं हुआ है। इतनी दुर्भाग्यपूर्ण है कि अब क्या क्या बताएं। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ही बोले थे कि इतने लाख लोगों को जो है, करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, एक भी रोजगार जो है तो बेरोजगार युवाओं को नहीं मिला है। गौवंश की क्या स्थिति है राजेंद्र जी, कुछ सोचने लग गए आप? गौवंश की क्या स्थिति है जिले में? हर जगह दिख रहे हैं, हाईवे में, सड़कों पर खड़े हैं, इसके लिए क्या किया आप लोगों ने? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रत्येक ग्राम पंचायत, 2 ग्राम पंचायत, 3 ग्राम पंचायत के अंतर्गत गौशालाओं का निर्माण करा रही है, और गौशालाओं को निर्माण करा करके वहां गौवंश रखे जा रहे हैं, उनकी सुख सुविधाओं का ध्यान दिया जा रहा है। अब समस्या इस बात की है, सबसे बड़ी बात होती है जागरूकता की, सबसे बड़ी बात होती है कि हम कितने अपने गौवंश के प्रति जागरूक हैं। मैं भाजपा कांग्रेस से ऊपर उठ करके बात ये कर रहा हूँ, हम अगर अपने गाय को पालन करते हैं, जब तक गाय दूध देती है तब तक तो हम उसको रखते हैं, और जैसे दूध देना बंद कर देते हैं उसको चौराहे में छोड़ देते हैं, रोड में छोड़ देते हैं। तो सबसे बड़ी जागरूकता है, आपके माध्यम से मैं मऊगंज जिले के समस्त नागरिकों से अपील करता हूं कि आप सब लोग अपने अपने पशुओं को रखिए, सरकार उस दिशा में बेहतर काम कर रही है। प्रत्येक 2 पंचायत 3 पंचायत के अंतर्गत गौशालाओं का निर्माण हो रहा है। रीवा जिला में बसामन मामा में बहुत बड़ा वो हो रहा है, यहाँ भी चाहे आप गिद्रहट में देख लीजिए, गौरी में देख लीजिए, क्या बोलते हैं दुगौली में देख लीजिए, प्रतापगंज में देख लीजिए, दमोदरगढ़ में देख लीजिए, बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां गौशालाओं का निर्माण हो रहा है और गौशालाओं में गाय हैं। गौशालाओं में गाय हैं। अमित जी, हमारे साथी जिला पंचायत, हमारे साथी जिला अध्यक्ष जी ने भारतीय जनता पार्टी के एक बात रखी, मैं एक छोटी सी बात आपके सामने बताना चाहता हूं आपके माध्यम से मऊगंज की जनता जनार्दन को। केंद्र सरकार की गौवंश की सुरक्षा और गौवंश के कारण जो परेशानियां उत्पन्न हो रही हैं, जो सड़कों पर गौवंश भटक रहे हैं, उसके लिए केंद्र प्रवर्तित योजना थी। माननीय सांसद जी केवल एक चिट्ठी लिख देते, इसी प्रदेश के कम से कम 33 गोवर्धन योजना 33 जिलों में लागू है, वहां आपने देखा होगा कि गौवंश रोड पर नहीं दिखाई देते। केवल सांसद जी एक चिट्ठी लिख देते तो 33 से 34वां जिला ये रीवा जिला और मऊगंज जिला भी हो जाता। वह केवल इतना सा भी काम नहीं कर पाए, यह भारतीय जनता पार्टी के सांसद जी का विकास है, आप इसको भली भांति समझ सकते हैं। रही गौशाला की बात, आपको भी पता है कि पूरे प्रदेश में गौशालाओं का निर्माण की प्रक्रिया माननीय कमलनाथ जी की देन है। पूरे प्रदेश में 1.5 वर्ष की कांग्रेस की सरकार ने हर जगह जगह गौशालाओं को खोलने का प्रयास किया, सरकार चली गई, उसके बाद गौशालाओं के निर्माण के कार्य जहां अधूरे पड़े थे वो अधूरे रह गए, जहां नहीं हो पाए थे उनको स्थगित कर दिया गया। यह पूरे प्रदेश की जनता जानती है, रीवा मऊगंज जिले की जनता तो भली भांति जानती है इस बात को। मैं आपके माध्यम से केवल फिर से एक प्रश्न करना चाहता हूँ कि इन 10 सालों में आदरणीय सांसद जी हैं वो केवल
इतना बता दें कि अपनी सांसद नीति से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की तो बात दूर की रही, आम जनता की भी बात दूर की रही। स्वेच्छा अनुदान की राशि अगर 2000 रुपए की मदद किसी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के भी सुख दुख में की हो तो जनता, मऊगंज जिले की जनता निश्चित, जिला पंचायत के सदस्य हैं और बहुत ही जागरूक जिला पंचायत के सदस्य हैं। मैं सिर्फ चूँकि गौशाला की बात चल रही थी इसलिए मैंने आपको टोंका, उनके पास जिला पंचायत में रिकॉर्ड है, अभी वो जा कर के देख लें, फाइल निकलवा लें कि मऊगंज ज़िले में कितनी गौशालाएं पूर्ण हो चुकी हैं, चूँकि आप स्वयं जिला पंचायत के सदस्य हैं, और कितने में कितनी पंचायतों में गौशालाओं का संचालन हो रहा है और कितने कितने पशु हैं, बस ये रिकॉर्ड की बात। हाँ, रिकॉर्ड दुरुस्त हो जाए। अमित जी, मैं रिकॉर्ड के साथ, हमारे साथी जिला अध्यक्ष जी ने सही बात कही, मैं वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य भी हूँ। पिछले बार जिला पंचायत की बैठक में यह मुद्दा उठा भी था, बहुत सारी गौशालाओं का निर्माण के लिए कोई भी बजट नहीं था, सारी जो गौशालाएं अधूरी पड़ी थी वो हस्तांतरित नहीं हो पा रही थी, कंप्लीट नहीं थी। धीरे धीरे जब दबाव बन रहा था, हम सारे लोगों ने मिलकर दबाव बनाने का प्रयास किया, तो एक एक करके उन कामों को यह बताया गया कि हम कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। उनमें आज भी बहुत सारी योजनाएं अधूरी हैं। अभी मैं रिकॉर्ड लेके नहीं आया हूँ, मैं आपको ऑन रिकॉर्ड यह बताने के लिए तैयार रहूँगा कि कितनी गौशालाओं का काम पूर्ण हुआ और कितनी अधूरी पड़ी हुई हैं, कितनी आज भी नहीं संचालित, क्योंकि कोई भी एजेंसी उनका हस्तांतरण ले नहीं रही है और चलाने की उनको दिक्कत आ रही है। मैं साथ ही साथ एक और प्रश्न आपके माध्यम से उठा देना चाहता हूँ। वाटर शेड की योजना केवल मऊगंज जिले में है, मऊगंज और देवतलाव विधानसभा के कुछ पंचायतों में वाटर शेड के कामों में भी जितना भ्रष्टाचार हुआ है इस भारतीय जनता पार्टी की 20 सालों की सरकार में, उतना भ्रष्टाचार कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है। हाँ, इसमें मैं इनकी बात को और पूरा कर देता हूँ। आपके पहले मैं भी जिला पंचायत सदस्य था, और जब मैं जिला पंचायत सदस्य था तो हनुमाना जनपद में 35 गौशालाएँ पूर्ण हो चुकी थी, मऊगंज जनपद में 27 गौशालाएं पूर्ण हो चुकी थी, और नईगढ़ी जनपद में 12 गौशालाएं पूर्ण हो चुकी थी। तो ये कहना कि अभी अधूरा है काम, तो जो पूर्ण हो चुकी है उसका तो बता देना। अध्यक्ष कौन था उस समय जिला पंचायत? जिला पंचायत के अध्यक्ष थे माननीय अभय मिश्रा जी। अच्छा, अब सांसद की ओर आते हैं। दरअसल बात यह है कि अब हम लोकसभा सदस्य को चुनने जा रहे हैं और उनसे जुड़े मुद्दों पर बात होनी जरूरी है। शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी की आपने बात कर ली, शिक्षा, स्वास्थ्य और नशा, ये एक ऐसा मुद्दा है जो हर जगह गूंज रहा है। मऊगंज की क्या स्थिति है? नशेगत अपराध में भी कई बार मऊगंज का नाम बहुत तेजी से आया। पहले इसके पहले मऊगंज में नशे का कारोबार चलता था, लेकिन 2018 के बाद नशे में बहुत लगाम लगी हुई है। यहाँ जितने कोरिक्स बेचने वाले थे, अवैध दारू बेचने वाले थे, अवैध गांजा बेचने वाले थे, निश्चित तौर पर मैं ये नहीं कहता पूर्णतः उनका सफाया हो गया, लेकिन अधिकांशता का सफाया हो गया है। रही बात आपने शिक्षा की बात करी, अमित भैया आपके ठीक सामने ये सीएम राज स्कूल है, ठीक सामने आपके सीएम राज स्कूल है, खंडहर हुआ करता था ये, 2-3 साल बाद आके देखिएगा मल्टीनेशनल स्कूल बनेगा ये, आपको तो सीएम राज की पूरी परिकल्पना मालूम है। ये बगल में आपके केदारनाथ महाविद्यालय है, मैं खुद केदारनाथ का पढ़ा हुआ हूँ। एक बिल्डिंग थी और एक कच्चा मकान हुआ करता था, आज जाके देखे केदारनाथ महाविद्यालय का हाल। अभी मेरे मित्र ने किसी ने कहा कि ला कॉलेज हमारी देन है। ला कॉलेज किसकी देन थी? कौन था मुख्यमंत्री? किसने स्वीकृत किया था पैसा? कहाँ से हुआ था पैसा स्वीकृत? विधायक स्वीकृत करता है ला कॉलेज का पैसा? क्या इन लोगों को जानकारी नहीं है? विधायक कर सकता है स्वीकृति? आप तो जानकार आदमी है। यहाँ तो एक ही, मैं तो कांग्रेस के बारे में एक ही बात कहूँगा, एक बघेली की कविता है कि माई आंधर बाबू आंधर हमें छोड़ सब भाई आंधर, केका केका दिया दिखाई बिजली अस भौजाई आंधर। इनका यही हाल है बस। वाह, क्या बात है, बड़े आरोप हैं। इतना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज तक जो है तो मोदी जी की सारी गारंटी योजना फैल हुई है। 2014 में खुद प्रधानमंत्री मोदी जी बोले थे कि इतने बेरोजगारों को रोजगार देंगे, काला धन सबके खातों में 15-15 लाख रुपए आएगा। एक भी आदमी पूरे हमारे क्षेत्र का बता दे कि एक भी व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपए आया हो। 35 रुपए में पेट्रोल देंगे, खाद्यान्न जो है तो
खाद्यान्न में जो है तो समूह की ऐसी कोर कमेटी बनाए हुए हैं कि बिल्कुल खाद्यान्न से ताकि रोजगार की बात न कर पाएँ, दो किलो एक किलो में जो है तो जूझते रहें। ये संपूर्ण मोदी जी की गारंटी योजना फैल हो चुकी है और गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। जनता तो वोट दे रही है ना, जनता वोट दे रही है, जनता जो है तो शासन सत्ता और मानसिक रूप से विकलांग बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास, प्रधानमंत्री आवास 2022 के पहले बोले थे कि पूरे देश में सभी के घर घर आवास बन जाएगा, तो आज जो है तो 2024 लगा हुआ है, पूरा का पूरा अधूरा है और दो साल से एक भी किस्त प्रधानमंत्री आवास योजना की नहीं आ रही है। आवास प्लस की जो सूची सर्वे होकर के यहाँ आई है तो आज तक एक भी आवास प्लस के लोगों को जो है तो किस्त नहीं डाली गई। जिनको आवास मिलता भी है, मैं अभी हमारे बड़े भाई विपिन मिश्रा जी बता रहे थे कि सीएम राइज देख लीजिए, कॉलेज देख लीजिए, ये पीछे ही है। हाँ पीछे ही, देखिए समय के साथ चीज़ें बदलती हैं। जब देश को आज़ादी मिली तो एक दिन में ही चीज़ें नहीं हो गई, भारत देश में सुई नहीं बनती थी, उसके बाद डेवलपमेंट का काम शुरू हुआ और एक सुई से लेकर परमाणु बम तक भारत देश में कांग्रेस की देन है। ये चीज़ें स्वीकार करने को तैयार नहीं है, ये सभी पीड़ित हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। लेकिन स्वाभाविक है कि भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, तो अपनी बात तो रखेंगे। इसके साथ ही मोदी जी का लक्ष्य था स्मार्ट सिटी का, मेट्रो ट्रेन का, 15 लाख रुपए का। मैं इनसे जानना चाहता हूँ, एक प्रवक्ता या एक भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति, कांग्रेस वालों को छोड़ दिया जाए, सामान्य जनता को छोड़ दिया जाए, अपने आप को ले लें अगर किसी को मिला हो और बता दें। और ये चीज़ें सामूहिक रूप से मंच से बोली गई हैं, इनके मैनिफेस्टो में रहा है, ये कोई व्यक्तिगत चीज़ें नहीं हैं। तो झूठ बोलना इनकी आदत है, ये आगे भी झूठे बोलेंगे, अभी झूठ बोलकर मेरी बातों का भी खंडन करेंगे। आप पूछ लें, अगर सवाल हम करेंगे, अगर किसी से सवाल भी कर दिए तो सीधे जेल जाना तय है। कैसे जेल जाना तय है, जा चुके हैं भाई। अब जैसे नल जल योजना की बात बता रहे थे कि बड़ी तेजी से काम चल रहा है, टोटियों में पानी आ रहा है, माननीय विधायक जी हमारे यहाँ आए थे, मैं निवेदन किया पहाड़ी में कि माननीय विधायक जी करोड़ों रुपए का ये ठेका आपने खड़ा कर दिया है, टंकी भी बन के तैयार हो गई, पानी कब आएगा टोटी में? तो माननीय जी पानी जवाब तो देना दूर, बोले ये गुंडा है इसको ले जाओ जेल, और जबरदस्ती 5 दिनों तक मुझे जेल, 5 दिनों तक मुझे जेल में रखा गया, सत्ता का दुरुपयोग। और जमानत के लिए सीएम हाउस से अप्रोच लगाया गया, जमानत न होने पर। आप बताइए कि कांग्रेस और भाजपा की बात नहीं हो रही, आम आदमी की हैसियत से मैं विधायक जी से सवाल किया था, ये कोई मेरा व्यक्तिगत सवाल नहीं था, मैंने पानी का मुद्दा जनता के लिए उठाया था। ठीक है, एक सवाल ये है कि अब लोकसभा चुनाव को लेकर जिले में प्रत्याशी घोषित हो गए और महिला प्रत्याशी कांग्रेस ने उतार दिया, सांसद जनार्दन मिश्रा 10 साल से सांसद, फिर से प्रत्याशी, और सामने नीलम अभय मिश्रा को उतार दिया, महिला प्रत्याशी उतार दिया और बता दिया कि हमने महिलाओं को प्रतिनिधित्व दे दिया लोकसभा सीट देकर। अभी हमारे मित्र ने एक बहुत बड़ी बात कही उन्होंने कि कांग्रेस सरकार आज़ादी के बाद ये बना दी वो बना दी। मैं बहुत बेसिकली सवाल पूछूंगा, फालतू की जुमलेबाजी और ये उधर हाई फाई की बात नहीं करनी है। आज़ाद कांग्रेस सरकार के पहले, जब तक बीजेपी सरकार नहीं थी, इस देश में केवल 7 एम्स थे, गूगल करिए तुरंत अभी आप, 14 के पहले 7 एम्स थे। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी सरकार बनने के बाद 52 एम्स बन चुके हैं, 52 एम्स। अभी गूगल करिए आप लोग, मोबाइल आपके पास है, अभी आप विकास की बात कर रहे थे ना, रीवा में लड़ रहे हैं, रीवा में ये क्या मिला? मैं अब बता रहा हूँ, अब तो बहुत में ही है कि चलने लगा ये भाई साहब पूछ रहे रीवा में क्या मिला। हाँ। आपकी सरकार में 4 ट्रेनें चलती थी, कितनी 4? 14 चल रही हैं, 14। अच्छा हाँ, सुनिए पूरी बात सुनिए। यहाँ हवाई अड्डा की कोई परिकल्पना नहीं कर रहा, सोच नहीं सकता था, तब तो अड्डा बना रहा, सोच नहीं सकता था, पट्टी की हाई फाई इंटरनेशनल हवाई अड्डा बन रहा है, क्या ये बात कर रहे हैं? रीवा गोविंदगढ़ रेलवे लाइन बनी हुई है, क्या ये बात कर रहे हैं? मैं आपसे ये पूछ रहा था, महिला को प्रतिनिधित्व दे दिया, महिला प्रत्याशी उतार दिया और कह दिया कि भाई हमने तो महिलाओं को प्रतिनिधित्व, तो ये महिला किस वंश से है, ये महिला किस परिवार से है, इनके पति जी क्या है, क्या वंशवाद की राजनीति यहाँ भी शुरू कर दी आपने? सेंट्रल से लेकर जिले तक केवल वंशवाद चल रहा है कांग्रेस में, इनके पास प्रत्याशी नहीं मिला कोई। अभय मिश्रा की पत्नी के अलावा
अभय मिश्रा की पत्नी के अलावा कांग्रेस में कोई नहीं था इनके पास। अच्छा कहाँ गई कविता पांडे जी, इतनी बड़ी नेता थी, कहाँ गई कविता पांडे जी, कहाँ गई? प्रत्याशी नहीं था सांसद के लिए भाजपा में जनार्दन मिश्रा जी के अलावा कोई भी व्यक्ति नहीं था। हाँ आप कुछ बोल रहे थे। ठीक, सांसद जी पहले गांव गोद में लिए थे, वो गांव गोद में ही है कि जमीन में चलने लगा, ये विपिन भाई हमारे बता दे पहली बात। और दूसरी बात, उन्होंने स्वास्थ्य के लिए, हम मऊगंज में चुनाव लड़े हैं, मऊगंज में वोटिंग करेंगे, मऊगंज के लिए स्वास्थ्य के लिए क्या दिया, शिक्षा के लिए क्या दिया, चिकित्सा के लिए उन्होंने क्या दिया? यहां सबसे बड़ी मिर्जापुर रेल लाइन है, हनुमाना को रेल लाइन मिला, मऊगंज जिला है कि जहां रेल लाइन नहीं बिछाई गई है वो मऊगंज की रेल लाइन की बता दे। और सदन में उन्होंने जनहित के कितने मुद्दे रखे हैं, अगर एक भी वीडियो, क्योंकि क्लिप चलती है, क्लिप हो तो दिखा दे विपिन भाई कि मैं सांसद जी ने हमारे मऊगंज की बात रखी, रीवा की बात रखी, अगर एक भी बात बता दे। अच्छा एक बार कैमरा घुमाइए और पूछिए कि मऊगंज के किसी मुद्दे पर सांसद ने सदन में बात उठाई कि नहीं? नहीं उठाई। 10 सालों में आज तक एक भी क्वेश्चन नहीं उठाया। हां क्या बोल रहे थे आप? किसी भी मुद्दे की बात जनार्दन मिश्र ने नहीं उठाई। हां मऊगंज विधानसभा, मऊगंज को कुछ मिला उनकी उपलब्धि? कुछ कुछ नहीं मिला। माननीय सांसद जी को ये भी काम कंप्लीट नहीं हुआ, देखिए कितनी माननीय एक राजेंद्र जी, सांसद की उपलब्धियों की बात होती है, आप बहुत सारी चीजों का जिक्र कर रहे थे, कुछ चीजें राज्य शासन से संचालित होती हैं, केंद्र का किन चीजों में हस्तक्षेप है, केंद्र से कौन सी योजना सांसद मऊगंज के लिए लेके आए, ये सवाल है। सबसे बड़ी बात ये है कि कांग्रेस के लोग जो ये कह रहे हैं कि सांसद जी ने कुछ नहीं किया, कभी ये लोग जब यहाँ से मऊगंज से रीवा जाते थे तो किस इनकी सरकार थी तो रोड की स्थिति क्या थी, पहली चीज। दूसरी चीज, यहाँ सिंचाई के संसाधन पहले कितने थे और सांसद जी के सांसद बनने के बाद कितने हुए, यहाँ रेलवे के टिकट का काउंटर किसने खुलवाया, यही गुरेहटा में जो इंडस्ट्रियल एरिया बन रही है जिसका इंडस्ट्रियल एरिया में जमीन आवंटन करा करके बनारस इलाहाबाद अहमदाबाद की कंपनियों का काम शुरू होने वाला है यहाँ की युवाओं को रोजगार देने के लिए, दूसरा इंडस्ट्रियल एरिया यही दामोदरगढ़ में प्रस्तावित है, तीसरा आपके बगल में कटरा में प्रस्तावित है, ये किनकी उपलब्धि है? तीन इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है यहाँ पे, क्या आपत्ति है फिर, उन्होंने बता दिया तीन। अमित जी ऐसे सपने दिखाते दिखाते दो पंचवर्षीय ले लिया, अब तीसरे पंचवर्षीय भी वोट मांगने का केवल आधार सपना दिखाना ही है। मैं आपसे पुनः एक बार प्रश्न करना चाहता हूँ कि माननीय सांसद जी अपने 10 वर्षों की एक भी उपलब्धि बता दें जो उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा मऊगंज जिले के लिए दिलवाई हो, केंद्र सरकार द्वारा ना दिलवाई हो, अपनी सांसद निधि से कोई भी एक विशेष कार्य बता दें जो इस मऊगंज जिले में उनके द्वारा माननीय सांसद जी के द्वारा किया गया हो। मैं पुनः आपसे अब अपने साथी जिला अध्यक्ष जी से ये कहना चाहता हूँ कि अगर एक भी उदाहरण वो बता देंगे तो निश्चित तौर पर आप वोट मांगने के अधिकारी हैं, और अगर नहीं बता पाए, अगर सांसद नीति का एक भी काम अगर आप नहीं बता पाए तो फिर कांग्रेस पार्टी को 2024 के लोकसभा में इस रीवा मऊगंज संसदीय सीट से भारी मतों से जिताना चाहिए। परिवारवाद की बात की उन्होंने कि आपने टिकट जो दे दिया रीवा में, परिवारवाद के ही तो का ही तो उदाहरण है। परिवारवाद का भारतीय जनता पार्टी के नेता अक्सर उदाहरण देते हैं, वो अपने गिरेबान में नहीं झाँकते। अगर हम मध्य प्रदेश की राजनीति, केंद्र की राजनीति की बात करें तो ऐसे सैकड़ों उदाहरण मिल जाएंगे जहां आपको परिवारवाद और वंशवाद की राजनीति, अगर वंशवाद की राजनीति की बात करते हैं तो आपको भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में भी मिलेगी, लेकिन मध्य प्रदेश में ही अनेक ऐसे उदाहरण हैं भारतीय जनता पार्टी में जो वंशवाद की राजनीति से प्रेरित है। मैं पुनः एक बार यह कहना चाहता हूँ कि जब हम एक उंगली दूसरे की तरफ उठाते हैं तो चार उंगलियां हमारी तरफ उठती हैं, इस बात को भी सोचने की आवश्यकता। पेयजल की क्या स्थिति है मऊगंज में, कोई आम आदमी बताए, ये राजनीतिक दल के लोग तो एक दूसरे पर आरोप ही लगाते हैं, बताइए पेयजल की क्या स्थिति है, पानी बराबर आ रहा है? मिल रहा है। और ग्रामीण क्षेत्रों में क्या स्थिति? मैं ग्रामीण का ही हूँ, मिल रहा है। ग्रामीणों में तो जो पाइप लगी है 5 वर्षों से और
वो जो पाइप लगी है और टोटी बना दी गई है, आज तक हम 10 वर्षों से नहीं देखे कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में पानी चालू हो गया है पाइपलाइन से। नल जल योजना की स्थिति तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि वर्तमान में जो जिला पंचायत से हम लोग को रिपोर्ट मिली है, पूरे रीवा और मऊगंज जिले की मिला के यह योजना पूरी तरह से फ्लॉप हो चुकी है। नल जल योजना में प्रधानमंत्री जी ने विधानसभा चुनाव के दौरान उसी योजना के लिए कार्यक्रम भी किया था जो SF ग्राउंड में था, लेकिन जो रिपोर्ट रीवा और मऊगंज जिले की हम लोग के पास है उसमें से आपकी 70% योजनाएं फेल हो चुकी हैं और आज तक हैंडओवर नहीं हुई हैं। मैं बंसवाद पर एक टिप्पणी करना चाहता हूँ, बंसवाद और होता क्या है मैं ये बताना चाहता हूँ। बंसवाद का मतलब ये है कि अमित जी आज विंध्या टाइम्स के एडिटर हैं, तो बंसवाद का मतलब ये है कि अमित जी जो ये पद छोड़ेंगे तो इनका लड़का ही वो पद संभालेगा भारत। अब बात तो कर लो भैया, बंसवाद के ये मतलब नहीं है। बंसवाद का मतलब ये है कि अमित जी अगर कभी एडिटर पद छोड़ते हैं तो उनका बेटा ही संभालेगा, ये है बंसवाद। बंसवाद ये नहीं है कि अमित जी छोड़ेंगे तो ये ना आएंगे, ये बंसवाद नहीं है कि अमित जी अगर काम छोड़ रहे हैं तो ये व्यक्ति उनके साथ वो काम नहीं करेगा, वो भी काम करेगा। कांग्रेस पार्टी में क्या है बंसवाद, ये नहीं है। सोनिया जी पद छोड़ेंगी तो राहुल ही बनेंगे, राहुल छोड़ेंगे तो कमलनाथ जी टिकट दिलाएंगे तो नकुलनाथ को ही दिलाएंगे, अभय मिश्रा दिलाएंगे तो नीलम मिश्रा को ही दिलाएंगे, ये बंसवाद है। सांसद जी ने, हमारे छोटे भाई और जिला अध्यक्ष जी भी हैं, सांसद जी ने एक बात कही थी, आप पे ज़्यादा टिप्पणी कर रहे थे, मैं ये जानना चाहता हूँ कि रीवा जिले में सांसद जी ने कहा था कि पत्रकार भवन हम बना के देंगे, क्या बना आप बताइए, आप पत्रकार लोग, आप मीडिया से संबंधित लोगों के लिए क्या व्यवस्था करिए, मैं ये जानना चाहता हूँ, धन्यवाद। ये मुद्दा तो था, पिछली बार भी था, चुनाव में भी रहा। 2015 में माननीय जनार्दन मिश्रा जी हमारे गांव में बहुत बड़ी सभा किए थे और उस सभा में हमारे गांव से तीन चार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए थे और ये शहीद केदारनाथ चतुर्वेदी हमारे गांव के हैं, उनका शहीद स्मारक के लिए हजार जनता के बीच में जनार्दन मिश्रा जी ने घोषणा की थी कि हम शहीद स्मारक बनवाएंगे, आज तक उसका नाम नहीं लिया गया, 10 वर्ष बीत गया। आप प्रस्ताव बना के दीजिए, मैं बनवाऊंगा, आज तक कोई गया उनके पास लेके? गलत बात, वहाँ मैं भी था, उन्होंने कहा था आप प्रस्ताव बना के लाइए, कहाँ बनाना है? मेरे पास है सरपंच महोदय, दो सरपंच प्रस्ताव लिख कर गए और बराबर जो है तो चक्कर लगाते लगाते थक गए, लास्ट में बोले कि एक सेकंड वो प्रस्ताव, एक सेकंड, प्रस्ताव बना नहीं बना, नहीं तो आप भी वहाँ थे, तो आप ये बता रहे हैं बना, हम उसको नहीं बना लेके गए, रखा हूँ लिखित, प्रस्ताव में दो सरपंचों का लिखित प्रस्ताव लिखा हूँ और विधिवत कार्यवाही का प्रस्ताव अमित जी मैं इस विवाद का पटाक्षेप कर देता हूँ दोनों पक्षों के लिए। मेरा निवेदन ये है कि आदरणीय सांसद जी जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, अगर उन्होंने कोई बात कहीं मंच पे या किसी सभा में उन्होंने आश्वासन दिया, प्रस्ताव नहीं आया, तो क्या वो स्वयं संज्ञान लेकर वह काम नहीं कर सकते? यह तर्क का विषय ही नहीं है कि किसी ने हमको आवेदन दिया कि नहीं दिया। जमीन गांव वाले देंगे जहां बनेगी, है ना, बताएंगे कि यहां बनेगी, राश उनका उपलब्ध कराना था, वो कराते, कोई गया नहीं उनके पास गांव वाला। क्या बोल रहे थे आप? माननीय सांसद जी की जहां तक बात हो रही थी कि आवेदन और प्रस्ताव के लिए, तो सांसद जी के पास अगर कोई जाता है कोई काम लेके, तो उनके दलाल वहां बाहर पहले ही बैठे रहते हैं, मैं प्रत्यक्ष बात कर रहा हूं भैया, और विधिवत मेरे पास फुल प्रूफ है, पूरा मैं दे रहा हूं, नागेंद्र दुबे दलाल वहीं बाहर बैठता है, एक व्यक्ति था सिगरौली का आया हुआ था, अरे आप ही जान जाएंगे, अब बता, मैं बता रहा हूँ ना, एक कुशवाहा जी हैं, उन्होंने ट्रांसफर का मुद्दा लेके किसी के द्वारा आए थे सांसद जी से आवेदन लिखवाने, ये सांसद जी ने आवेदन लिखा तो कोयला मंत्री को, उन्हीं के माध्यम से 30,000 रुपए एक बार, 1,00,000 रुपए एक बार, 5,000-5,000 रुपए तीन बार, ये रसीद
रसीद आप जूम करके दिखा सकते हैं। बहुत बढ़िया, ये रसीद दिखा सकते हैं। ये सांसद जी का लेटर है, जनार्दन मिश्रा जी का, और जिलाध्यक्ष जी बहुत गंभीर मामला है, कोयला मंत्री का, इधर दिखाइए एक मिनट, जिला कोयला मंत्री का भी यहाँ पे रिप्लाई आया है, उसका भी लेटर पैड में आपको दिखा रहा हूँ प्रत्यक्ष। ये 30% कमीशन पहले एडवांस में और 70% कम लेटर के बाद। अध्यक्ष जी बहुत गंभीर विषय है, इसकी जांच करवाएंगे। जांच एक मिनट, अब आप विनम्रता के साथ सुनिए। इन्होंने जो कहा सांसद जी काम के लिए तत्पर हैं, जो ये राशि दिखा रहे हैं, राशि ये क्या सांसद जी के खाते में डालें कि अपने भाई के खाते में डालें, ये महत्वपूर्ण विषय है। सांसद जी के खाते में तो इन्होंने राशि दी नहीं, या सांसद जी के पीए के खाते में राशि गई नहीं। राशि ये तो मैं भी दिखा सकता हूँ कि मैंने फोन पे से अमुक आदमी को इतना पैसा दे दिया, तो हो सकता है कि ये मीडिया को दिग्भ्रमित करने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता सिर्फ कुप्रचार कर सकते हैं, काम नहीं कर सकते हैं। कार्यकर्ता नहीं है जो ये है, ये कुप्रचार कर सकते हैं। ये न कोई जांच का विषय है, न पड़ताल का। आप बताइए भारतीय राजनीति में अमित जी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। भारतीय राजनीति में एकमात्र ऐसा सांसद होगा जो शुचिता के लिए जाना जाता होगा। भारतीय राजनीति में 10 साल सांसद रहने के बाद जनार्दन मिश्रा ऐसे सांसद हैं जिनका न रीवा में घर है न मऊगंज में घर है। भारतीय राजनीति में दिल्ली में दिखाओ ना, तर्क के साथ बात करना चाहिए। जनार्दन मिश्रा एक ऐसा व्यक्तित्व है जो शुचिता के लिए, जो सादगी के लिए, जो सरलता के लिए का प्रतिमूर्ति माना जाता है। आज जनार्दन मिश्रा की शुचिता, सरलता, ये जो आरोप लगा रहे हैं, आरोप तो कोई भी लगा सकता है, पर मैं इनको चैलेंज देता हूँ कि अगर जनार्दन मिश्रा के ऊपर आपने आरोप लगाया है तो आपको आरोप सिद्ध करना पड़ेगा, और अगर आरोप आपने सिद्ध नहीं किया तो आपके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मैं आपके चैनल के माध्यम से आवास के लिए 1.5 लाख रुपए आते हैं। रुक लीजिए आप एक मिनट, आवास के लिए इस पे वो FIR करेंगे अगर ये सही नहीं हुआ। नहीं, देखिए सांसद जी ने लिखा है और ये SP के यहाँ आवेदन भी दे दिया गया, इसके लिए जांच की कार्रवाई पूर्ण रूपेण। नागेंद्र दुबे जो दलाल है बाहर, ठीक है वो एक अलग। सांसद जनार्दन मिश्रा स्वच्छता के ब्रांड एम्बेसडर, मऊगंज में भी आए, स्वच्छता का संदेश दिया, इससे सकारात्मक चीजें तो हुई ना। देखिए स्वच्छता हर व्यक्ति का है, हर व्यक्ति को करना चाहिए, लेकिन कुछ स्वच्छता के पैमाने होती हैं, जो कुछ इक्विपमेंट होते हैं स्वच्छता करने को, उसका उपयोग करना चाहिए, ना कि हाथ डाल देना चाहिए। हाथ नहीं डालना चाहिए, कैसे कोई उनके हाथ का पानी पी लेता है, दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि ब्रश होते हैं, हार्पिक होती है, इक्विपमेंट का टेक्नोलॉजी मोदी जी मेक इन इंडिया कहते हैं। मऊगंज का ही मसला था जब पहली बार सांसद जी ने साफ सफाई करी थी। मैं अभी हमारे मित्र बड़ी सफाई की और साफ सफाई की बात करते हैं, इक्विपमेंट की बात कर रहे थे, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ अपना खुद का, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि इसके पहले स्वच्छता अभियान आपकी सरकार थी ना, 4 से लेकर 14 तक कौन सा स्वच्छता अभियान आपने चलाया? मैं इस बात के एक क्लियरिफिकेशन करना चाहता हूँ, क्योंकि माननीय सांसद जी महाविद्यालय में छात्र संघ अध्यक्ष के इनॉग्रेशन या उसके कार्यक्रम में आए हुए थे। उस टाइम जब वो निकले वहाँ से तो लोगों ने शिकायत करी उनसे कि सांसद जी यहाँ स्वच्छता अभियान हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ लेटरिन बाथरूम साफ नहीं है। तत्काल आप यहाँ अगर आप गए हैं तुरंत और कोई समस्या अगर हो गई, मान लीजिए आपको किसी ने कोई बिच्छू काट लिया या कहीं कील लग गई, तो मैं कहूँ आप संजय गांधी जाइए वहाँ इलाज कराइए। आप संजय गांधी जाएंगे, आपको चोट लगी यहाँ से तो आप संजय गांधी इलाज कराने जाएंगे तुरंत, वहीं कुछ तो तुरंत का कुछ करेंगे, एंटीसेप्टिक लगाएंगे, हल्दी लगाएंगे। सांसद जी वहाँ पहुँचे, सफाई नहीं थी उस टाइम, क्योंकि उनको अभियान चलाने नौटंकी तो करनी नहीं थी आपकी तरह कि वो हारपी के लेके जाते, वो ब्रश लेके जाते, वो वहाँ पहुँचते फिर वीडियो कैमरा चलता, उनको उन्होंने लगा कि गंदगी है वहाँ, उन्होंने उसको अपने हाथ से साफ किया। गांधी जी ने खुद जो भारत के राष्ट्रपिता हैं वो अपने हाथों से भी मैला उठाते थे,
उन्होंने महिला प्रथा का विरोध भी किया था, गांधी जी ने नहीं कहा था, उन्होंने कहा था कि नहीं नहीं करना चाहिए। क्या बात करते हैं, अगर किसी ने एक स्वच्छता का संदेश दिया तो आप उस पर इल्जाम लगा देंगे, आप तो कुछ करेंगे नहीं, 10 साल आपकी सरकार ने कुछ किया नहीं। मैं बताता हूं क्या चलता, मैं अभी जो स्वच्छ भारत अभियान बोल रहे हैं उसके पहले निर्मल भारत अभियान चलता था, सिर्फ यहाँ नाम बदलने का था। निर्मल भारत अभियान यही था, मनमोहन सिंह जी की सरकार में था। मोहन अमित जी, मैं आपने एक प्रश्न किया कि सांसद जी स्वच्छता के ब्रांड एम्बेसडर, सांसद जी आपने कहा कि आपने कहा स्वच्छता के ब्रांड एम्बेसडर, अपनी सांसद निधि से इन 10 सालों में अगर 50 लाख से ऊपर का राशि अगर इन 10 सालों में अगर उन्होंने इस पूरे जिले में दी हो तब फिर मैं आपकी बात पर यह यकीन कर लूंगा कि आदरणीय सांसद कह रहे थे। मैं विपिन भैया से पूछना चाहता हूं, आवास के लिए 1.5 लाख रुपए आता है, ठीक, यात्री प्रतीक्षालय के लिए 3.85 आता है, लागत क्या है उसकी बताइए, चलिए देखिए आप लागत क्या। और दूसरी बात, ये रोड आप देख लीजिए, और यही बगल में रोड एक बनी है, भैया को मालूम है जो सीएन राइस बता रहे हैं उसकी बगल, उसकी आप गुणवत्ता देख लीजिए और इसकी देख लीजिए, आप मौके पर हैं, आप इसी रोड से आए, बताइए क्या है। और सिविल हॉस्पिटल की बात हो रही है, आज तक नहीं बना सिविल हॉस्पिटल, इतने गुणवत्ता विहीन है कि तराई होती है उसकी तो सामने चूता है वो, बताइए, पूछिए आप विपिन भैया, आपके सामने यही देखिए, पूछिए आप। अच्छा इतने आरोप हैं, एक सवाल आप दोनों से, इतने आरोप हैं, चुनाव बीते, चुनाव हार गई आपकी पार्टी, यहाँ जीत तो बीजेपी को ही मिली, उनके दावे तो फिर सीधे तौर पर पुख्ता हो जाते हैं। अमित जी, हार जीत के कई पहलू होते हैं, कई कारण हो सकते हैं, पर राजनीति में मेरा यह मानना है कि जब हम सब जनसेवा के लिए राजनीति के मैदान में है तो विपक्षी दल होने के नाते या विपक्ष के नाते हम जितना भी काम कर सकते हैं विपक्ष के रूप में, हमको वह काम करना चाहिए और जनता के बीच में हमको जाना चाहिए, जिससे जनता के काम इस सरकार के द्वारा, चूंकि हम विपक्ष में बैठे हैं, काम सरकार को करना है। 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस मध्य प्रदेश में है, पिछले 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में है, डबल इंजन की सरकार, और रीवा में तो ट्रिपल इंजन, सारे विधायक उनके हैं, उसके बाद अगर वो काम नहीं कर पा रहे हैं तो इससे बड़ा दुर्भाग्य इस जिले का नहीं हो सकता। नीलम मिश्रा हैं इस बार प्रत्याशी, महिला प्रत्याशी, सामने सांसद जनार्दन मिश्रा, 2 बार अच्छे खासे वोट से जीते हैं। जनार्दन मिश्रा जी की तो अभी हाल में आपसे चर्चा हो चुकी है कि बिल्कुल बमूर की खूंट की तरह हैं वो, अगर कोई ज़रूरत पड़ जाए, हम लोग क्षेत्रीय हैं, हम लोग ना मोदी को देखेंगे ना डॉक्टर मोहन यादव को देखेंगे, हम अपने क्षेत्र में रहेंगे, जिएंगे मरेंगे, हम अपने क्षेत्र की बात कर रहे हैं। हमारे क्षेत्र में आज तक एक भी ऐसा काम जनार्दन मिश्रा जी के द्वारा नहीं किया गया, किसी के आवेदन पर विचार नहीं किया गया, खंडहर में पड़ा रहा। और जनार्दन मिश्रा जी ने अगर 10 वर्षों में हर प्रत्येक वर्ष अगर 10-10 लड़कों को केंद्रीय विद्यालय में एक चिट्ठी लिख देते तो उन लड़कों का, उनके माता पिता का भाग्य जो है तो उज्जवल हो जाता, लेकिन आज तक एक पत्र नहीं लिखे। नहीं तो नीलम मिश्रा पे कैसे भरोसा कर लेंगे? नीलम मिश्रा जी पढ़ी लिखी अनुभवी हैं और वो, उनको राजनैतिक अनुभव है, और जहाँ तक मेरा अनुभव है तो नीलम मिश्रा जी जब विधायक थी तो अपने क्षेत्र में उस समय जितनी लोकप्रिय थी उससे ज्यादा आज भी हैं, अनवरत बच्चा बच्चा जानता। कैसे विश्वास कर लेंगे, बता रहे हैं कि नीलम मिश्रा पर विश्वास करेंगे? नीलम मिश्रा ये कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस का कार्यकर्ता तो अपने नेता के ऊपर कभी विश्वास किया ही नहीं, तो ये कैसे करेंगे? ये तो कांग्रेस के परंपरा चली आ रही है, कांग्रेस की सबसे बड़ी परंपरा ये है। पद्मेश जी भी चुनाव लड़े थे भारतीय जनता पार्टी से, गिरीश गौतम लड़े थे, भारतीय जनता पार्टी का पूरा कार्यकर्ता गिरीश गौतम जी के लिए प्राणपट से लगा था और जिता करके लाया 25,000 वोटों से। पद्मेश जी, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, विनम्रता के साथ निवेदन कर रहा हूँ, पद्मेश जी को हराने में सबसे ज़्यादा कांग्रेस के लोग लगे थे और पूरे प्राणपट से पद्मेश जी को चुनाव हराने में लगा। जी ऐसा सही है क्या? नहीं अमित जी, वो भावनात्मक रूप से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है। मैं साथ ही जिला दर्जी को यह भी बताना चाहता हूं कि उन्होंने एक उदाहरण तो दिया कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक चुनाव जरूर जीत गया, परिस्थितियां कई हो सकती हैं, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष का लड़का,
उनके विधानसभा अध्यक्ष रहते और सरकार रहते 1800 वोट से वहीं जिला पंचायत का चुनाव हारा, यह बताना हुआ भूल गया। 25 सभा हुई थी लगातार। मेरा यह मानना है कि परिस्थितियां क्या रही होंगी, क्या होती हैं, बनती हैं, बिगड़ती हैं, यह अभी का मुद्दा नहीं है। मेरा सीधा सीधा आरोप है कि 2024 के चुनाव होने जा रहे हैं, जनता आदरणीय सांसद जनार्दन मिश्रा जी के 10 सालों के कार्यकाल का हिसाब जानना चाहती है। मैं पुनः आपके माध्यम से एक बार फिर कहना चाहता हूं अपने साथी जिला अध्यक्ष जी को भी और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को कि हम लोग की तो बात दूर की बात है, हम लोग की तो बात जाने दीजिए। अगर किसी के सुख दुख में इन 10 सालों में आदरणीय सांसद जी की निधि से, अगर आप सबकी स्वेच्छा अनुदान की राशि से अगर किसी एक का भी भला हुआ हो तो आप निश्चित तौर पर उन्हें वोट दीजिएगा, नहीं इस बार आप लोग हमारी मदद करें। बताइए, लास्ट सवाल है ये। अटल जी की एक पंक्ति के साथ ही आपके शो के समापन की इजाजत चाहता हूँ। स्वप्न देखा था कभी जो आज हर धड़कन में है, एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है, बढ़ रहे हैं हम प्रगति की ओर उस रफ्तार से, कर रहा हमको नमन विश्व भी उस पार से, बस अब कुछ नहीं करता। विश्व नमन कर रहा है, संतुष्ट है अब, चूंकि देखिए विश्व नमन भी कर रहा है वो बता रहे हैं। सिर्फ इनके पास यही है कि हम विश्व गुरु बन रहे हैं, हम क्या करें, हम कहते हैं पीओके हमने पाया क्या, क्या हमने अक्साई चीन पाया क्या, और हमने चीन में और 14 किलोमीटर और मैंने कर दिया। आज अरुणाचल प्रदेश के 14 गांवों के नाम चाइना ने बदल दिया, ये क्या कर रहे हैं? वो बार बार नक्शे को बदल बदल कर दिखाता है। तो फिर क्या समय चाहूंगा इनके लिए, 140 करोड़ का यह देश था और मात्र 20 करोड़ का पाकिस्तान था, वो हमारे घर में घुसकर हमारे सैनिकों को और हमारे नागरिकों को मारता था, और हमारे देश का प्रधानमंत्री हाथ जोड़कर यूएन में गिड़गिड़ाता था कि पाकिस्तान को बचा लीजिए, समझा लीजिए, हमारे सैनिकों को ना मारे। आज स्थिति क्या है, वहाँ का प्रधानमंत्री वहाँ के संसद पे बोलता है कि बालाकोट के बाद हमारे सेना के अधिकारी आया है, उनका हाथ पैर कांप रहा था, और वो प्रधानमंत्री से बोलते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी अभिनंदन को छोड़ दीजिए, वरना कल पाकिस्तान का भारत नामो निशान मिटा के रख देगा। क्या बात करते हैं ये लोग। तो कुल मिला के मऊगंज के तमाम स्थानीय मुद्दे भी हैं और सांसद को लेकर बात ही है। अब देखना है कि जनता अगले चुनाव में किस करवट बैठती है। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर मऊगंज की जनता तैयार है अपने मुद्दों पर वोट करने के लिए। अ प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय नेशनल हॉस्पिटल रीवा, विंध्य क्षेत्र में पहली बार कैंसर का संपूर्ण इलाज, आयुष्मान कार्ड धारकों का संपूर्ण इलाज निःशुल्क। पता नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा, न्यू बस स्टैंड रीवा।